Good morning, children. Today we will learn about describing words. And let first learn the spelling of describing words. D-E-S-C-R-I-B-I-N-G, describing. W-O-R-D-S, words. D-E-S-C-R-I-B-I-N-G, describing. W-O-R-D-S, words. Let's feel this. Look at the given picture carefully. इन सारे पिक्चर्स को, जो पिक्चर दिए गए हैं, उसको अच्छे से देखो एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लू गिवन. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक पहले से किया हुआ है. देखो, अ रेड एप्पल, तो यहाँ पे कलर है. मैंगो का कौन सा कलर है? मैंगो का कौन सा कलर? आई थिंक इट इज येल्लो. अ येल्लो मैंगो कलर. अ येल्लो मैंगो. A yellow mango, okay. A group of boys. तो total number कितने हैं boys के? 1, 2, 3, 4, 6. A group of six boys. Now, क्या ये आदमी पतला है? Is he a slim man? No, a fat man, a मोटा आदमी. A fat man. Next है sun signs है. मतलब सन इज साइनिंग, द सन इज साइनिंग, सूरज चमक रहा है. तो ये कौन सा डे हो गया? सनी. अ सनी डे. नेक्स्ट है ये इसका क्या शेप है? राउंड है, गोल है. द अराउंड फुटबॉल. नेक्स्ट है अशोर लेमन. टेस्ट लिखना है तो अशोर लेमन. शोर मीन्स खट्टा. नेक्स्ट है इसका शेप क्या है? आई थिंक इट इज अ स्क्वायर पार्क. ओके. The words filled by you tell you something about the object. जो word तुमने अभी feel किया है वो सारे उसमें जो वहाँ पे जो things दिए हुए हैं उसके बारे में कुछ बताता है. जैसे कि apple है तो red है. Apple क्या है? तो कैसा है? Red है. तो apple noun है. Apple के बारे में हमने क्या जाना? कि ये red है. तो red क्या, red किसको describe कर रहा है? Apple को describe कर रहा है. Red किसको describe कर रहा है? Apple को describe कर रहा है. तो रेड क्या है? रेड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. रेड क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. सनी डे, डे कैसा है? सनी. तो सनी क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग डे. सनी क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड. सनी क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग. व्हेन एवर वी वांट टू से समथिंग अबाउट द नेमिंग वर्ड, वी एड इट. हम डिस्क्राइबिंग वर्ड को ऐड करते हैं. इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्राइबिंग वर्ड को ऐड करते हैं. इसको डिस्क्राइब करने के लिए. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड कहाँ आता है? नाउन से पहले. डिस्क्राइबिंग वर्ड कहाँ आता है? नाउन से पहले. जैसे कि फॉर एग्जांपल, रेड एप्पल, येलो फ्लावर, वाइट मिल्क, ब्लैक हेयर. तो ये जो वर्ड है सारे नाउन, नेमिंग वर्ड से जो पहले आए वो सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं. नंबर की बात कर लो, 4 boys, 3 boys, 6 boys, 7 boys. तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. ओके. फैट मैन, लेजी मैन, स्मॉल मैन, अ बिग मैन. तो ये जो वर्ड है, मैन से पहले जितने भी वर्ड्स हैं सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. ठीक है. ए सनी डे, अ हॉट डे, अ रेनी डे, अ फॉगी डे. तो ये जो डे से पहले जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे क्या है? Describing words. And square ball, round ball. I think round ही ball आता है, square ball नहीं आता है. बस ball में ये होता है ना, कुछ small होते हैं और कुछ big होते हैं. ठीक है. Look at some more example. A hot day, पानी पी रहा है बच्चा, उसको गर्मी लग रही है. A big house, तो big हो गया describing word. House को describe कौन कर रहा है? Big. यहाँ पे ये होता है small house, तो house को कौन describe करता है? Small. A short man, तो मैन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? शॉर्ट. A sad boy, तो sad boy. A happy boy. ठीक है. तो यहाँ पे जो sad है, happy है, सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए. एंड यहाँ पे है a new car, a old car. तो कार की क्वालिटी हो गई, न्यू है ये, ओल्ड है. ठीक है. तो ये सारे वर्ड क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग. A tiny mouse, छोटा सा चूहिया, चूहा. Now let's come to the about. Now you know, hot, big, short, sad, new, ये सारे क्या है? Describing words हैं. Okay. अब shape और size की बात करते हैं. Shape और size जो होता है वो भी describing word ही होता है. Shape और size क्या होता है? वो भी describing word ही होता है. A round button, an oval ball, उसके बाद numbers, तो you already know.
नाउ वी विल मोर वी विल नो मोर अबाउट दिस टाइपिंग वर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो.